कर्म चेतन बंध कारु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है वंदना शत बार है वंदना शत बार है। शुभ कर्मों से न कबहू लेत हो। ये और इनसे अन्य अध्यवसान जितनी चर्चा की है कितनी चर्चा की जा सकती है शब्दों में। और ये जो अध्यवसान कुछ नमूने के तौर पर कहे गए लेकिन इस प्रकार के अन्य अध्यवसान एक जीव के विचित्र प्रकार के अध्यवसान होते हैं तो विचित्र विचित्र प्रकार के इतने जीव उनके कितने प्रकार के अध्यवसान हो सकते हैं। लेकिन वे सब जिनके नहीं हैं ऐसे मुनिजन शुभ अशुभ कर्मों से कभी लिप्त नहीं होते। अध्यवसान के लिए मूल कारण मोह कहा था, विपरीतता अज्ञान एकत्वमत्व बुद्धि वही उसका मूल कारण है। इसीलिए पहले ये चर्चा कर रहे हैं कि ये जो अध्यवसान हो रहे हैं वे तीन प्रकार से, तीन प्रकार का मतलब उसके साधन तीन हैं अपने पास में विपरीतता के लिए। जैसे मुक्ति के तीन साधन हैं ऐसे ही बंधन के उलझने के भी तीन साधन हैं। मुक्ति के तीन साधन कौन से हैं? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग और उलझने के मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र। तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र ये इसका मूल कारण मोह मिथ्यात्व ही है, उस कारण से इस जीव को बंद हो रहा है तो उसकी क्या स्थिति है वो पहले बात करते हैं। तीन प्रकार के उन अध्यवसानों पर घटित करते हैं। अध्यवसान से जीव अपने को अनेक रूप करता है, उसमें से जो तीन बातें आई थी विश्व रूप करता है बहुत रूप करता है तो इसमें अपने आप को नर नारकादि चार गति रूप करता है, शुभाशुभ राग द्वेष भाव रूप करता है और तीसरा धर्म अधर्म आदि गेय रूप करता है। तो उनमें से जो अपने आप को मैं मारता हूँ बचाता हूँ ऐसे भावों पूर्वक राग द्वेष के परिणाम करता है उसकी बात की थी। ऐसे भाव होने पर उसे अध्यवसान क्यों होता है, भाव हुए अध्यवसान क्यों हुआ, जब ये परिणाम हुए तब स्वयं कैसा है इसका भान न होने से, स्वयं कैसा है इसका बहुत अच्छा वर्णन किया, ज्ञानमय आत्मा है। और यदि ज्ञानमय आत्मा है तो इसकी क्रिया क्या होनी चाहिए, तो ज्ञानमय है तो इसकी क्रिया ज्ञप्ति होनी चाहिए, होनी चाहिए नहीं कि होती है। बाबा जी इधर बैठे ना, इनको उठ के आने में दिक्कत होगी। श्यामलाल जी साहब सामने आ जाइए ना, मेरा ध्यान नहीं गया आप इधर। और वह जानने की क्रिया जिसको ज्ञप्ति क्रिया से नाम दिया, वह ज्ञप्ति क्रिया कैसी है, सद सद अहेतुक ऐसी स्वरूप, ज्ञान स्वरूप है इसलिए सतरूप और चूंकि सहज स्वभाव है इसलिए कोई कारण की आवश्यकता नहीं, इसलिए ज्ञप्ति क्रिया है। हमारी क्रिया ज्ञप्ति होनी चाहिए, जानन जानन होनी चाहिए। जब जानन क्रिया हमारा स्वरूप है तो फिर मारता हूँ बचाता हूँ ये राग द्वेष के परिणाम ये हमारी क्रिया कैसी हुई, ये आई कहाँ से हमारे में, तो कहते वह कर्म के उदय से आई है, कर्मोदय जनित है। तो कर्म के उदय की होने वाली वह स्थिति और मेरा ज्ञप्ति क्रिया ये दोनों मुझे भिन्न भासित नहीं होते हैं। दर्पण की स्वच्छता और दर्पण में पड़ने वाला प्रतिबिंब ये दोनों अलग अलग न लगे तो दर्पण में देखकर एक में एक मानने लग जाता है, दर्पण में आग लग गई, दर्पण में जो भी स्थितियां बनती हैं वो भेद न करने का। ऐसे ही
ज्ञप्ति क्रिया का और रागादि क्रिया का, हनन क्रियाली मुख्य रूप से, इनका भेद न जानने से, इनमें अंतर न जान, दोनों के एक में एक मान लिया, इसलिए एक में एक जानने से इससे भिन्न आत्मा है लेकिन उस भिन्न आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ, इसलिए अज्ञान। ज्ञान ही नहीं हुआ तो श्रद्धान कैसे होगा, इसलिए अश्रद्धान। और ज्ञान और श्रद्धान नहीं हुआ तो लीनता रूप चारित्र कैसे होगा, इसलिए अचारित्र। और ये तीनों अध्यवसान के परिणाम जीवों के हो रहे हैं। तो ये राग द्वेष वाले अध्यवसान के साथ, शुभाशुभ भाव वाले अध्यवसान के साथ, मारता बचाता हूँ वाले अध्यवसान के साथ बात की गई। अब नारक तिर्यंच इत्यादि रूप अपने आप को करता है उसकी बात करते हैं। ध्यान से एक अंतर इसमें आएगा, एक ही अंतर, वो अंतर पकड़ने की कोशिश करना, पूछूंगा मैं। हाँ, यत पुनः नारको अहम इत्यादि अध्यवसानम तदपि ज्ञानमयत्वेन आत्मनः सद अहेतुक ज्ञायक एक भावस्य कर्मोदय जनितानाम नारकादि भावानाम च विशेष अज्ञानेन विविक्त आत्म अज्ञानात् अस्ति तावद् अज्ञानम्, विविक्त आत्म अदर्शनात् अस्ति च मिथ्यादर्शनम्, विविक्त आत्म अनाचरणात् अस्ति च अचारित्रम्। मिथ्यादर्शन ज्ञान चारित्र के परिणाम, अध्यवसान के कारण। कौन सा अध्यवसान? मैं नारकी हूँ और तिर्यंच हूँ, देव हूँ, मनुष्य हूँ। चूँकि वहाँ नारक की चर्चा मुख्य रूप से पहले ली थी इसलिए पहले ली गई। मैं मनुष्य हूँ, ये हमारे अंदर जो चल रहा है निरंतर अध्यवसान का परिणाम, ये कैसा है, किस कारण से है? पहले मैं कैसा? ज्ञानमयत्वेन आत्मनः, ज्ञानमय आत्मा। और मेरा स्वरूप क्या? सद अहेतुक ज्ञायक एक भावस्य, मैं ज्ञानमय आत्मा हूँ तो मैं तो एक ज्ञायक भाव ही हूँ। और ऐसे एक ज्ञायक भाव रूप मेरे मैं, तो जब मैं ज्ञायक भाव हूँ तो मनुष्य क्यों मानता हूँ? मनुष्यपना कहाँ से आया, कैसे आया? कर्मोदय जनितानाम नारकादि भावानाम च, वो नरक आयु का उदय था इसलिए नारकी हुआ, नरक गति का उदय था इसलिए नारकी हुआ, अभी मनुष्य आयु का उदय है, मनुष्य गति का उदय है इसलिए मनुष्य हूँ। तो ये मनुष्य आदि, अब ज्ञायक भाव भी यहाँ है और मनुष्य भी यहाँ है, ये दोनों के विशेष अज्ञानेन, मैं ज्ञायक हूँ कि मनुष्य हूँ, तो ज्ञायक मनुष्य दोनों की मिली जुली अवस्था, लेकिन है दो की मिली जुली, इन दोनों में भेद है, अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन उसे न जान करके विशेष अज्ञानात्, विशेष आत्म विविक्त आत्म अज्ञानात्, भेद न जानने से उससे भिन्न ज्ञायक भाव रूप अपने आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ इसलिए अज्ञान। और ऐसे भिन्न आत्मा का श्रद्धान नहीं हुआ इसलिए अदर्शन मिथ्यादर्शन, और भिन्न आत्मा का आचरण नहीं हुआ इसलिए मिथ्याचारित्र। तो मनुष्य हूँ इस अध्यवसान से भी मिथ्यादर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्याचारित्र रूप परिणति चल रही है। क्या अंतर आया ऊपर और नीचे में? ऊपर कहा था सद एक हेतु ज्ञप्ति क्रियस्य आत्मनः, और यहाँ ले रहे सद अहेतुक ज्ञायक एक भाव, आत्मा की ज्ञप्ति क्रिया है और आत्मा एक ज्ञायक भाव है, ज्ञायक रूप ही है, ज्ञायक रूप है, किस कारण से, किसने ज्ञायक बनाया हमको, किसने बनाया ज्ञायक? तो अहेतुक है, किसी ने नहीं, स्वरूप से सहज है, सहज एक ज्ञायक भाव, स्वयं सिद्ध स्वतः एक ज्ञायक भाव। तो ऊपर ज्ञप्ति क्रिया ली थी और अभी ज्ञायक भाव ले रहे हैं, अंतर क्यों किया? क्योंकि वह हननादि क्रिया थी, तो क्रिया से भिन्न करने के लिए अपनी क्रिया सामने रखी, या नारकादि वैसे तो पर्याय है लेकिन यहाँ मिलीजुली पर्याय में से पुद्गल के साथ की पर्याय है, इसलिए वहाँ पुद्गल रूप भाव द्रव्य को मुख्य रखते हुए
अपने आत्म द्रव्य ज्ञायक भाव को मुख्य किया भेद विज्ञान के लिए, इतना सा इसमें अंतर लिया। ब्रैकेट क्यों दिया होगा इसमें, और तो किसी टीका में कहीं ब्रैकेट नहीं आया है, ब्रैकेट दिया इसमें। ये जो अंश है कदाचित जो आत्मख्याति पूरी प्रकाशित की है जिस मूल से, उसमें ये अंश नहीं होगा, लेकिन दूसरी जो हस्तलिखित प्रतियां होती है उन दूसरी प्रतियों में रहता है, तो विषय तो पूरा आना चाहिए। इसलिए विषय पूरा करने के लिए अन्य प्रतियों में से ये लिया गया, तो कोई मूल प्रति से मिलान करेगा तो वैसे ही कहते हैं भी बदल दिया जोड़ दिया। तो अर्थ में भी जहाँ जहाँ विशेष किया है या समझ लो जोड़ा है, तो सबको ब्रैकेट में लिखा है। ये इसके विशेष खुलासा करने के लिए लिखी गई बात है, तो उसको बदलना नहीं कहते हैं। यदि उसका अर्थ ही दूसरी तरीके से करे तो बदलना, ब्रैकेट में हमने विशेष खुलासा किया है तो मूल का तो मूल यथावत रखा और विशेष किया। तो ये तो चूँकि जो अध्यवसान के परिणाम थे उसमें से एक अध्यवसान का परिणाम ये भी था, इसलिए इसको भी लिया गया है। ऐसे और भी कहीं एकाध जगह छूटा है तो वहाँ जोड़ा है इस तरीके से। अब तीसरा धर्म अधर्म आकाश काल के संदर्भ में, यत् पुनर ईशा धर्मः ज्ञायते इत्यादि अध्यवसानम तदपि। देखो इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है, दो में तो अध्यवसान खुलकर हम कह सकते हैं और है कौन से, यदिदम हिनस्मि इत्यादि अध्यवसानम, मैं मारता हूँ ये अध्यवसान। दूसरा नारकोम इत्यादि अध्यवसान, मैं नारकी हूँ ये भी अध्यवसान है। परंतु धर्मः ज्ञायते इति अध्यवसानम, धर्म द्रव्य जानता हूँ, धर्म द्रव्य जानने में आता है तो मैं धर्म द्रव्य जानता हूँ, तो इसमें क्या अध्यवसान हो गया, धर्मो ज्ञायते इत्यादि अध्यवसान। तो वो पहले खुलासा किया हुआ है, मैं कौन हूँ इसे जाने बिना जानने में लगा हुआ है, तो जिसको जानता है उसमें एकत्व ममत्व करने की इसकी आदत है, इसलिए ये जिनको बना रहा है उसमें एकत्व की बुद्धि होती है, विकल्प के साथ एकत्व की बुद्धि है, लेकिन उसी को उपचार से धर्मादि द्रव्यों के एकत्व की बुद्धि कही गई है, इसलिए मैं धर्म को जानता हूँ, इसको उस रूप में अध्यवसान लिया। जानना ये अध्यवसान नहीं है, जानना तो स्वभाव है उसको अध्यवसान नहीं करे, लेकिन ये किस तरह जान रहा है कि जानते ही उसमें एकत्व ममत्व की बुद्धि होती, क्योंकि मैं कौन हूँ इसका भान नहीं, इसलिए उसको अध्यवसान लेते हैं। वह भी तीन रूप से किस प्रकार होता है, ज्ञानमयत्वेन आत्मनः सद अहेतुक ज्ञानैक रूपस्य ज्ञेयमयाणां धर्मादि रूपाणां च विशेष अज्ञानेन विविक्त आत्मज्ञानात् अस्ति तावद् अज्ञानम्, विविक्त आत्मदर्शनाद् अस्ति च मिथ्यादर्शनम्, विविक्त आत्मनाचरणाद् अस्ति च अचारित्रम्। मैं ज्ञानमय हूँ और ज्ञानमय होने से मेरा क्या स्वरूप है, सत अहेतुक ज्ञान ही एक मेरा स्वरूप है, सत अहेतुक ज्ञान। अब क्या बदला यहाँ पर, पहले ज्ञप्ति क्रिया ली थी फिर ज्ञायक भाव लिया और अब क्या ले रहे हैं, ज्ञान। तो ज्ञप्ति क्रिया पर्याय थी, ज्ञायक द्रव्य था और ज्ञान गुण है, तो द्रव्य गुण पर्याय तीनों लिए, तो ये द्रव्य गुण पर्याय तीनों से मैं ज्ञान रूप ही हूँ, मेरा द्रव्य ज्ञान रूप, मेरे गुण सर्व ज्ञान रूप और मेरी पर्याय भी वास्तव में ज्ञान रूप ही है। शक्कर मीठी है तो उसका गुण भी मिठास है और जो जो परिणमन होगा वह मीठे रूप से ही होगा, ज्ञानिक रूपस्य। अब यहाँ ज्ञान क्यों लिया, क्योंकि ज्ञेय से भिन्न करना है, ज्ञेय मयाणाम धर्मादि रूपाणाम, ये ज्ञेय है, अब मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, बाकी मेरे लिए ज्ञान नहीं है। बाकी आत्माओं में ज्ञान होगा, जीव भी है, अन्य जीवों की बात भी ली थी, धर्म अधर्म आकाश काल जीवांतर, तो जीवांतरों की बात भी ली थी, उनमें ज्ञान, वे ज्ञान रूप तो है लेकिन मेरे लिए ज्ञान रूप नहीं है, मेरे लिए तो ज्ञेय रूप ही है। अब वे ज्ञेय और मैं ज्ञान,
लेकिन ये भेद होते हुए भी दोनों का अंतर न जाने, जब वो मेरे ज्ञान में जानने में आते हैं और उसके जानने के विकल्प में जब मैं अटकता हूँ तो मैं ज्ञान स्वरूप ये भूल जाता हूँ और उसके साथ इतना तन्मय होता हूँ तो वो अज्ञान का परिणाम खड़ा होता है। भेद भिन्न आत्मा का श्रद्धा न होने से मिथ्या दर्शन होता है और भिन्न आत्मा की लीनता न होने से मिथ्या चारित्र। उसके जानने में लगा है तो उससे भिन्न आत्मा की लीनता कैसे हो सकती है। लेकिन जो श्रेणी चढ़ने वाले मुनिराज हैं वो शुक्ल ध्यान करते हैं और उनके शुक्ल ध्यान में संक्रांति होती है, अर्थ व्यंजन योग संक्रांति, विचारो अर्थ व्यंजन योग संक्रांति। तो ये संक्रांति हो रही तो वहाँ अर्थ संक्रांति, पदार्थ भी बदलता है और शुक्ल ध्यान चल रहा है। तो ध्यान तो आत्मलीन है ना, तो आत्मलीन है तो आत्मा का आचरण चल रहा है ना, तो वह तो जानने में आ रहे हैं सभी। फिर उनका ध्यान भंग नहीं होता, उसे मिथ्या चारित्र क्यों नहीं कहते हो? क्योंकि उन्होंने मैं कौन हूँ इसको भली भांति जान लिया, पहचान लिया। जो ऊपर कहा गया है सद एक सद अहेतुक ज्ञान एक रूपस्य ज्ञानमयत्वेन आत्मना, मैं एक अहेतुक ज्ञान रूप, तीनों लगा लीजिए, जिसकी मात्र ज्ञप्ति क्रिया है, जो एक ज्ञायक भाव रूप है और ये सभी स्वतः सिद्ध सहज सत अहेतुक ऐसा जो स्वरूप, इसका निर्णय है और इसका निर्णय होने के बाद जान रहे हैं तो जाने तो उसमें उलझ नहीं सकता है, उसमें एकत्व हो नहीं सकता है, अच्छी तरह से निर्णय होने के श्रद्धान होने के कारण से इसलिए स्वरूप में लीन रहते हैं और सहज जानते हैं। किसी ग्रंथ का ऐसा सूत्र है ना, स्वकार्यम प्रसाद्य नृत्यतोपि दोषाभावात्, स्वकार्यम प्रसाद्य नृत्यतोपि दोषाभाव, अपना कार्य करो फिर नाचो गाओ कुछ भी करो, तो मैं कौन, मैं आत्मा, ज्ञान स्वरूप आत्मा। तो ज्ञान स्वरूप आत्मा को जाना पहचाना, उसमें लीन हो रहे हैं, अब दुनिया को जानो कोई दिक्कत नहीं है, और अपने को जाना नहीं है, दुनिया को जानने गए तो उलझ गए कहीं ना कहीं। इसलिए उससे भिन्न आत्मा का जानना, आत्मा का श्रद्धान करना और आत्मा की लीनता करना न होने से मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। अब तीनों ले लिए, तीन तीन ले लिए, तीन तीन मतलब एक मारता बचाता हूँ इत्यादि रूप से या राग द्वेष या पुण्य पाप के परिणाम वाला, दूसरा नारकी त्रियंच देव मनुष्य वाला, और तीसरा धर्मादि गेयों के जानने वाला, तीनों लिया। और इन तीनों में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ये सभी ततः बंध निमित्तानि एव एतानि समस्तानि अध्यवसानानि, ये सारे जो अध्यवसान है, मैं मारता बचाता हूँ, नारकी हूँ, धर्मादि को जानने में उलझा हुआ हूँ, ये सारे बंध के ही निमित्त है। क्यों? क्योंकि इनके जानने, इनमें उलझने पर भिन्न आत्मा का ज्ञान नहीं होता। अपने आप को सत अहेतुक एक ज्ञप्ति क्रिया वाला ज्ञायक भाव ज्ञान रूप नहीं मानता, ये द्रविगुण पर्याय से अपना निर्णय अपने रूप से नहीं करता, उलझ जाता है, और इसीलिए क्या है, बंध के निमित्त है। लेकिन इस गाथा का ये भाव नहीं है मूल रूप से, मूल बात तो थी जिनके ये अध्यवसान नहीं है उन्हें बंध नहीं होता। तो ये कह रहे कौन से अध्यवसान नहीं है तो बताना चाहिए ना, इसलिए वो अध्यवसान अमृतचंद्र आचार्य ने बता दिए, दोहरा दिए, पिछले बता दिए थे फिर से दोहरा दिए। अब गाथा की चर्चा मुख्य रूप से करते हैं। येषामेव एतानि च विद्यन्ते, क्या हो गया, येषामेव एतानि च न विद्यन्ते होना चाहिए ना नीचे, हाँ नीचे अर्थ में तो नहीं शब्द आ गया, और ग्रंथ में देख लेना, न लगा लीजिए कि न होना ही चाहिए। येषामेव एतानि च न विद्यन्ते तैव मुनिकुञ्जरः केचन, और ऐसे अध्यवसान जिनके नहीं होते हैं वे ही वास्तव में श्रेष्ठ मुनिराज हैं। केचन, केचन माने कुछ हैं, कुछ ही हैं, बाकी बाकी सब उलझे हुए हैं, विपरीतता में लगे हुए हैं, कुछ मुनिवार। अब वो केचन मुनिकुंज रहा,
वो मुनि श्रेष्ठ है तो वे तो सभी के सभी, और ऐसा भी लगा सकते जो कोई मुनिराज है, केचन मुनि कुंजरा, ये केचन, जो कोई मुनिराज है वे सब इन सब अध्यवसानों से वास्तव में रहित ही हैं। क्यों उन्हें अध्यवसान क्यों नहीं है, अब उससे विपरीत चलेंगे। सद अहेतुक ज्ञप्ति एक क्रियम, सद अहेतुक ज्ञायक एक भावम, सद अहेतुक ज्ञानेक रूपम च विविक्तम आत्मानम जानन्तः। वे मुनिराज कैसे हैं, अपनी क्रिया यदि कोई है तो बस जानन जानन वाली, मैं ये ज्ञायक भाव हूँ, मेरा भाव स्वभाव गुण यदि कोई है तो ये ज्ञान, और ये भी किसी का दिया नहीं है, सत अहेतुक सहज स्वतः सिद्ध। और ऐसा निर्णय होने से जगत सारे सबसे जगत से भिन्न आत्मा को वे जान रहे हैं, विविक्तम आत्मानम जानन्तः, भिन्न आत्मा को जान रहे हैं, और भिन्न आत्मा का अच्छी तरह से ज्ञान होने के कारण से यही मैं हूँ ऐसा श्रद्धान हो जाता है। इसलिए अगला वाक्य सम्यक पश्यन्तः, अच्छी तरह से देख रहे हैं। तो यहाँ देखना न तो दर्शनोपयोग वाला लेना है और न चक्षुरिंद्रिय वाला लेना है, ये है श्रद्धान वाला ही, सम्यक दर्शन की अपेक्षा से श्रद्धान की अपेक्षा। और जब यही मैं हूँ ऐसा जाना अच्छी तरह से श्रद्धान हुआ तो कहाँ रमनता करेंगे, कहाँ लीनता करेंगे, अनुचरन्तश्च, तो विविक्त आत्मा को जानते हुए श्रद्धान करते हुए और उसी में लीन होते हुए, वहाँ विपरीत होने के कारण से मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र हुए थे, और यहाँ क्या होंगे फिर, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र परिणमित हुए, और वो इसके ऐसे परिणामों से अध्यवसान के परिणाम कर रहा था। और मुनिराज क्या कर रहे, जिन्हें भेद विज्ञान हुआ है, सम्यक पश्यन्तः अनुचरन्तश्च स्वच्छ स्वच्छंद उद्यत अमंद अंतर ज्योतिषः। कैसे मुनिराज वे, जिन्हें अंतर ज्योति प्रकट हुई है, अंतर ज्ञान प्रकट हुआ है निर्मल, दो विशेषण तीन विशेषण रहे, स्वच्छ स्वच्छंद उद्यत और अमंद। निर्मल क्योंकि भिन्न किया ना, मलिनता तो मिलावट से आती, भेद विज्ञान हुआ इसलिए स्वच्छ है, और ऐसा भेद विज्ञान होने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ी है, सहज स्वच्छंद उद्यत स्वाधीनता से अपने ही, इसका सारा साधन सब कुछ अपने पास है, कहीं बाहर से कुछ लाना नहीं पड़ा, बाहर का सहारा लेते तो उल्टा इसमें बाधक बनता है, भले ही पहली अवस्था में सहारा लेना पड़ता हो तो वे उस समय साधक होते हो, जे जे वस्तु साधक तेऊ तेऊ बाधक, बाकी राग दोष दशा की कौन बात है, माने ये प्रमाण नय निक्षेप के संदर्भ में बात करते हुए लिखा है, प्रमाण नय निक्षेप जिनके माध्यम से निर्णय करते हैं, लेकिन अनुभव उपयाते भांति न द्वैतमेव, अनुभव के काल में ये कोई साधन साधन का विकल्प नहीं रहता है निरंच मात्र भी, तो वे भी निर्विकल्प अनुभूति के समय बाधक हो जाते तो राग द्वेष की बात तो बहुत दूर की है, तो सर्व साधन अपने पास है, कहीं कोई बाहर नहीं, इसलिए स्वच्छंद, कहीं किसी के आश्रित होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल स्वच्छंद, लोक में जो मन में आए मर्जी आए सो करना, तो मर्जी आए सो करना उतने वो तो चाहिए, तो अपने लीन होने के लिए किसी से पूछना पड़ेगा, कोई जरूरत पड़ेगी, इसलिए सहज स्वच्छंद सहज स्वाधीनता से उदित होती हुई वो ज्योति, और कैसी अमंद अंतः ज्योति, चौथे गुणस्थान में बहुत अल्प थी, पंचम गुणस्थान में और वृद्धि को प्राप्त हुई, अब छठे सातवें गुणस्थान में और अधिक, और इसीलिए प्रचुर स्वसंवेदन, पांचवी गाथा की टीका में दिया, प्रचुर स्वसंवेदन और निरंतर झरता हुआ आनंद जिसके कारण से जिन्हें प्रकट हो रहा है, ऐसे मुनिराज अमंद अंतः ज्योति, अमंद ज्योति, चंद्रप्रभ भगवान के अर्घ्य में ऐसे ही कोई शब्द आता है ना, मन वचतन जजत अमंद आत्म ज्योति जगे, मन वचतन जजत
अमंद आत्म ज्योति जगे, मन वचन काया से आपकी पूजा भक्ति करते हैं, अमंद करते हैं तो आत्म ज्योति प्रकट होती है, या मन वचन काय से करते हैं तो अमंद ज्योति प्रकट होती है। माने मन वचन काय अन्यत्र न लगा करके जिन दर्शन कर निज दर्शन पा तो वह ज्योति प्रकट होती, अमंद अंतर ज्योति शाह। और ऐसे होने से वे मुनिराज अत्यंतम अज्ञानादि रूपत्व अभावात, जब अपने अंतर ज्योति जिन्हें प्रकट हुई, यह अंतर ज्ञान जिन्हें प्रकट हुआ है, निर्मल ज्ञान प्रकट हुआ है, तो अज्ञान क्यों होगा, मिथ्या दर्शन क्यों होगा, मिथ्या चारित्र क्यों होगा? तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, इन सब का अभाव, अज्ञान आदि रूपत्व अभाव, आदि में तीनों ले लेना, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का अभाव होने से शुभेन अशुभेन वा कर्मणा न खलु लिप्पेरन, ये म भी हो गया, न चाहिए हलंत न, लिप्पेरन, कर्मणा न खलु लिप्पेरन, शुभ अशुभ कर्म के द्वारा वास्तव में लिप्त नहीं होते हैं। नहीं, शुभ भाव होते होंगे तो पुण्य से तो लिप्त होते होंगे, कल चर्चा की थी कि नहीं, वो बंद संसार वाला भटकाने वाला पुण्य नहीं होता है, वो साथ साथ होने से जबरदस्ती पीछे लगा हुआ समझ लो, जैसे टोडरमल जी कहते ना, निमित्त व सहचारी, निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग जो है निमित्त और सहचारी, तो सहचारी हैं इसलिए चल रहा है वो साथ में, उलझाने में समर्थ नहीं है, ये आगे बढ़ते जाते हैं पीछे छूटता जाता है वो सहज, और हमारा साथ साथ चलता भी है और हमें खींच खींच करके संसार में और उलझाता जाता है ऐसा। इसलिए शुभाशुभ, वे शुभाशुभ कर्मों से किसी से भी लिप्त नहीं होते हैं। तो अध्यवसान से रहित मुनि राजों की ये चर्चा की। जैसे नाचारी की टीका में एक विशेष गाथा आई, उस गाथा की भी चर्चा करते हुए अगली गाथा पर पहुंचते हैं। इसके बाद आचार्य जैसेन की तात्पर्यवृत्ति टीका में एक गाथा आती है जो आत्मख्याति में नहीं है, वह गाथा इस प्रकार है। जासंकप्पवियप्पो ताकम मम कुणदि असुह सुह जणयम अप्पसरुवा रिद्धि जावण ही ये परे फुरई। जा संकल्प वियप्पो, जब तक संकल्प विकल्प चलते हैं, अब समझ लीजिए जो अध्यवसान के शब्द थे ना, उसके बाद संकल्प विकल्प शब्द से दे दिया, संकल्प विकल्प, संकल्प क्या है, विकल्प क्या है, अभी वो टीका में लेने वाले हैं संकल्प विकल्प को। संकल्प विकल्प, जब तक संकल्प विकल्प चलते हैं, अभी नीचे की पंक्ति को पहले जोड़ते हैं फिर विशेष शेष बात करते हैं। जहाँ संकल्प वियपो, जब तक संकल्प विकल्प चलते रहते हैं, अप सरोवा रिद्धि जावन ही ये परिपुरई, और जब तक उसके कारण से संकल्प विकल्प चलने के कारण से आत्मस्वरूप की रिद्धि हृदय में परिस्फुरित नहीं होती है, आत्मा परिस्फुरित नहीं, संकल्प विकल्प चल रहे हैं बाहर में। क्या है संकल्प विकल्प, दसवें कलश में लिया ना, आत्मस्वभावम प्रभाव भिन्नम आपूर्णमाद्यंत विमुक्त वेकम विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन शुद्ध नयो विदेति, उसमें विशेष अर्थ में कर दिया, संकल्प किसे कहना है, विकल्प किसको कहना, द्रव्यकर्म ना नो कर्म, द्रव्यकर्म भावकर्म नो कर्म में एकत्व बुद्धि, अहम बुद्धि, ये मैं हूँ, इसका नाम संकल्प, ये मैं हूँ, ऐसा संकल्प। और ज्ञेयों के भेद से ज्ञान में भेद ज्ञात होना, उसको विकल्प कहा, वहाँ पर ज्ञेयों के भेद से ज्ञान में भेद ज्ञात होना वो विकल्प कहा, तो इसका अर्थ ये है ये मैं हूँ, ये संकल्प हुआ, देह मैं हूँ, ये संकल्प हुआ, और इसके कारण से इसे जो अनुकूल लगता है उसमें राग करेगा, इसे प्रतिकूल लगता है उसमें द्वेष करेगा, राग द्वेष करता है तो विकल्प खड़े हो जाते हैं बहुत सारे। ज्ञेयों में भेद ज्ञात हुआ ना, नहीं तो क्या जानता, यहाँ एकत्व बुद्धि नहीं होती तो न इष्ट लगता ना अनिष्ट लगता, सामान्य ज्ञेय जानता, लेकिन ज्ञेयों में भेद किया, ये अच्छा ये बुरा, क्योंकि इसके साथ अनुकूलता, तो संकल्प और ये विकल्प ये चलता रहता है।
और जब तक ये चलते रहेंगे तो देह में एकत्व बुद्धि है और पर में कर्तृत्व बुद्धि चल रही है, तब तक आत्मस्वरूप की रिद्धि अंतरंग में कैसे पुरस्फुरित होगी? वो आत्मा दिखेगा कैसे? वो आत्मा को देखने की फुर्सत कहाँ है? देह को अपना जाना और देह को जो चाहिए उसमें लगा हुआ है। अप सरोवा रिद्धि जावण ही ये परिफुरई, और तब उसका परिणाम क्या होगा? ताकम्मम कुणदि सुह अशुभ जनयम, तब तक वह शुभ अशुभ जनक कर्म करता है। कर्म करता है तो कर्म बांधता है, शुभाशुभ को उत्पन्न करने वाले सारे कर्म करता है या कर्म बांधता है। इस कारण से तो सीधा अर्थ किया कि संकल्प विकल्प के ये अध्यवसान है, वे संकल्प विकल्प के परिणाम है। वे अध्यवसान के भाव जिनकी चर्चा कर रहे थे वे संकल्प विकल्प के परिणाम है, इसलिए आत्मस्वरूप की रिद्धि प्रकट नहीं होती, इसलिए शुभाशुभ कर्मों का बंध चल रहा है। इस गाथा का अर्थ तात्पर्य वृत्ति में आचार्य जयसेन ने अत्यंत संक्षेप में इस प्रकार किया है, जब तक ये आत्मा बाह्य विषय रूप शरीर स्त्री पुत्र आदि में ये मेरे हैं इत्यादि रूप ममत्व में संकल्प करता है और अंतर में हर्ष विषाद रूप विकल्प करता है। तो अब ये अभी जो अध्यवसान चल रहे थे वो आगे अपने को सर्वरूप करता है, उसमें से नारकादि रूप करता है तो शरीर स्त्री पुत्र आदि रूप करता है, और दूसरा हर्ष विषाद रूप करता है माने वो राग द्वेष के या पुण्य पाप के परिणाम रूप करता है। वो बात आ गई, ये वाली बात थोड़ी सी मुख्य गौण हो गई, वो भी विकल्पों में, इनके जानने के विकल्पों में उलझा हुआ है तो निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति नहीं हो पाती है। तो जब तक ये संकल्प विकल्प चलते हैं जी हाँ, कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में? और जिया कब तक उलझेगा संकल्प को, भजन आता है ना, तब तक जब तक ये उलझा रहेगा तब तक अनंत ज्ञानादि से समृद्ध आत्म तत्व को हृदय में नहीं जानता है, और जब तक इस प्रकार का आत्मा अंतर में स्फुरायमान नहीं होता तब तक शुभाशुभ भावों को उत्पन्न करने वाले कर्म करता है। अब इस प्रकरण की अंतिम गाथा, फिर उसके बाद थोड़ा प्रकरण बदल जाता है। अध्यवसान शब्द का प्रयोग बहुत करते आ रहे हैं पीछे से, अब इसलिए पूछ रहे हैं क्या है ये अध्यवसान, तो उसका लक्षण तो नहीं दिया लेकिन उसके कितने नाम होते हैं और क्या क्या कहा जा सकता है, वो नामांतर दिए एक तरह से, उसमें समझ लो ये अध्यवसान है। अमृतचंद्र आचार्य ने फिर एक एक की संक्षेप में व्याख्या की है। 271वीं गाथा, किम एतत् अध्यवसानम नाम इति चेत, वास्तव में अध्यवसान है क्या? किम एतत् अध्यवसानम इति चेत, यदि कोई ऐसा पूछता है तो उसका उत्तर देते हैं, बुद्धि वसावो विय अध्यवसानम मदीय विर्णाणम एकट्ठमेव सर्वम चित्तम भावो य परिणामो। बुद्धि व्यवसाय अध्यवसान, मदि माने मति, विन्नाणम माने विज्ञान, एकट्ठमेव संवम, ये संवम एकट, सब एक अर्थवाची है, सब एक ही अर्थ वाले हैं, और भी रह गए चित्तम चित्त भाव भावो और परिणामो परिणाम, कितने हो गए? अध्यवसान की बात कर रहे हैं, बुद्धि व्यवसाय मति विज्ञान चित्त भाव और परिणाम, सात हुए हैं, सात पर्यायवाची शब्द दिए हैं, लेकिन ये अध्यवसान है। बुद्धि तो बहुत अच्छी है, बुद्धिमान और बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन कैसी बुद्धि? वह आत्मबुद्धि है या एकत्वमत्व बुद्धि है? बुद्धि ताही सराहिए जो सेवे जिन धर्म, वह बुद्धि किस काम की जो नित बांधे कर्म, ऐसी बुद्धि किस काम की है? तो यहाँ उस बुद्धि की बात कर रहे हैं बंधन करने वाली, उसको बुद्धि कह रहे हैं, वो नित बांधे कर्म, बुद्धि ताही सराहिए जो सेवे जिन धर्म, और जिन शब्द के साथ बदल करके
निज धर्म भी कह सकते हो, बुद्धि काही सराइए जो सेवे निज धर्म, वो बुद्धि किस काम की, जो बांधे नित कर्म, कर्म ही बंधन कर रही होगी उसकी बात नहीं। व्यवसाय, व्यवसाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, व्यवसाय अच्छा है, बिजनेस होना चाहिए ना, उसके बिना कमाई कैसे होगी। दूसरा, जैन दर्शन ज्ञान को व्यवसायात्मक मानता है कि अव्यवसायात्मक मानता है, व्यवसायात्मक ज्ञान व्यवसायात्मक है, अव्यवसाय मानो तो मिथ्या हो जाएगा, एक विपरीत हो जाएगा, व्यवसाय तो ठीक है ना, लेकिन यहाँ कौन सा व्यवसाय लेते हैं, टीका में देखेंगे। अध्यवसान की बात चल रही, मति, मति तो अच्छी है, मति श्रुत अवधि मन पर, ये तो ज्ञान है, ज्ञान के भेद मति ज्ञान, सम्यक ज्ञान होगा ना, यहाँ उसमें क्या मिथ्यापना आता है देखेंगे। विज्ञान तो बहुत अच्छा है, आत्मा कैसा है, विज्ञान घन स्वरूप है, तो विज्ञान का घन पिंड है, तो विज्ञान तो अच्छा होना चाहिए ना, लेकिन फिर भी कुछ गड़बड़ है। चित्तम, चित्त भाव परिणाम, तो भाव परिणाम तो किस तरह के भाव है उसी के अनुसार परिणाम भी कैसे हैं। गाथार्थ तो सामान्य दिया ना, बुद्धि व्यवसाय अध्यवसान मति विज्ञान चित्त भाव और परिणाम, ये सब एकार्थवाची ही है, पर्यायवाची ही है। बोलिए गाथा और पद्यानुवाद बोलिए। कॉर्डलेस चालू कर देते। अब देखो इसका टीका का प्रारंभिक अंश छोड़ करके यदि पढ़ेंगे ना तो वो एकार्थवाची सिद्ध नहीं होंगे, प्रारंभिक अंश छोड़ करके। कैसे, जैसे मति 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 की बात कीजिए, मति मति किसे कहते हैं, मनन मात्रत्वात् मति ही, मनन तो मनन करना चिंतन करना उसका नाम मति। विज्ञप्ति मात्रत्वात् विज्ञानम, विज्ञप्ति अच्छी तरह से जानना, विज्ञप्ति विशेष ज्ञप्ति इसका नाम विज्ञान। तो ये कैसे, ये अध्यवसान कैसे हो सकते हैं, मिथ्या कैसे हो सकते हैं, ये तो सही है ना, गलती कहाँ है ना? वो पहले इसलिए प्रारंभ, स्वपरयोर अविवेके सती, सबसे पहले क्या, स्वपरयोर अविवेके सती, स्वपर का भेद विज्ञान न होने पर, स्व क्या है पर क्या है, स्वपर को एक मान रहा है, कभी स्व को पर मान रहा है, पर को स्व मान रहा है, कोई ठिकाना नहीं है। सत सतोर विशेषाद्य दुर्क्षोपलब्धे उन्मत्तवत, ये भेद विज्ञान के अभाव में अब ये कोई ठिकाना नहीं है, स्वपरयोर अविवेके सती, और तब जीवस्य अध्यवसीति मात्रम अध्यवसानम, तब जो अध्यवसीति माने जो निर्णय कर रहा है, ये बिना उसके विपरीत अंदर में विपरीतता पड़ी है और उसके साथ निर्णय कर रहा है, क्या निर्णय करेगा, वह सही निर्णय नहीं कर सकता। अरे लोक के अदालत में भी कोई जज बैठा हो और उसके रिश्तेदार का केस आया हो उसकी अदालत में, तो वो निर्णय नहीं कर सकता, ये क्या हो, तो जज है करना चाहिए ना, बहुत होशियार है, होशियार तो होगा लेकिन रिश्तेदारी है तो कहीं ना कहीं राग हो करके सही निर्णय नहीं कर सके, जुड़ान हो गया ना। ऐसे स्वपर का एकत्व का अध्यवसान है, उसके बाद जो निर्णय करेगा वैसे विपरीतता के साथ निर्णय करेगा, उल्टा ही होगा, इसलिए अध्यवसानम। तदेवच बोधन मात्रत्वात् बुद्धि, तदेवच माने वही स्वपर के एकत्व पूर्वक जो बोधन, जो कुछ बोध अंदर चलेगा वह बुद्धि कहलाएगी। तो जब एकत्व है तो एकत्व की बुद्धि चलेगी, ममत्व की, कर्तृत्व की, भोतृत्व की विपरीत बुद्धियाँ चलेगी, वो बुद्धि अध्यवसान है। व्यवसान मात्रत्वात् व्यवसाया, और उसी तरह के निर्णय कर रहा है और विपरीत निर्णय होने से उस अध्यवसान को व्यवसाय भी कहते हैं। मनन मात्रत्वात् मति,
जिसे अंदर एकत्व बुद्धि पड़ी है वो निरंतर जो चिंतन करेगा वो विपरीत वाले ही चिंतन चलने वाले उसकी उसकी उसका मनन जो है वही चलता है। जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हो अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विष्कंटक बोता हो। गाफिल निद्रा में सोता हूँ लेकिन कब? विषयों में रच पच कर, तो दिन में विषयों में रचा पचा है तो रात में भी वही परिणाम चलेंगे। एक स्वपर का एकत्व का अंदर अज्ञान पड़ा हुआ है तो जो कुछ मनन चिंतन चलेगा वो उसके विपरीतता के साथ चलेगा, इसलिए वो मति विपरीतता लद्यवसान है। विज्ञप्ति मात्रत्वात् वो विशेष विशेष भी निकालेगा ना, वो सब विशेष उल्टे उल्टे निकालने वाला है, इसलिए वो विज्ञान भी लौकिक विज्ञान भी सब विपरीतता की तरफ ले जाने वाला है। चेतना मात्रत्वात् चित्तम, और चित्त भी एकत बुद्धि वाले का चेतना भी चल रही है उसकी विपरीत रूप से, इसलिए वो चित्त कहलाएगी। चितो भवन मात्रत्वात् भावः, उस एकत्व बुद्धि पूर्वक जो चेतना के परिणाम चलेंगे वे भाव, और चितः परिणमन मात्रत्वात् परिणामः, और वही विपरीत एकत्व बुद्धि पूर्वक होने वाले उसी को परिणमन की अपेक्षा से उसी को परिणाम भी कहते हैं। तो ये विपरीत शब्द लगाते हैं अनेक कुछ, जैसे बुद्धि कहा एकत्व बुद्धि, वो अध्यवसान हो जाएगी, ऐसे विपरीत निर्णय व्यवसाय अध्यवसान, विपरीत मनन चिंतन अध्यवसान, इसलिए इन सब को भी क्या कह रहे हैं अध्यवसान शब्द से कहना चाहते हैं। और यह अध्यवसान ही वास्तव में बंद का कारण है, ये मूल से बात करते हुए आ रहे थे, और ऐसा अध्यवसान छूटेगा तभी वास्तव में बंद छूट सकेगा। मैं मारता हूँ बचाता हूँ पर को, तो मारने बचाने का भाव मारने का नहीं, बचाने का भाव तो होना चाहिए, लेकिन बचाने का भाव भी यदि भाव है या मैं बचा सकता हूँ ऐसी विपरीतता करते हो तो अध्यवसान का भाव है, इसलिए ऐसा अध्यवसान मत करो। अब आगे जो चर्चा चलेगी, हम कहते हैं ऐसा अध्यवसान छुड़ाया है इसका मतलब सारा व्यवहार छुड़ाया है, क्योंकि उसके साथ हिंसा के साथ चोरी कुशील परिग्रह लिया और विपरीत भी लिए, हिंसा के सामने अहिंसा भी ली, अहिंसा का भी अध्यवसान है, अचोरी का भी अध्यवसान है, अपरिग्रह का भी अध्यवसान है, तो वो भी छोड़ो, उसके संबंध में भी अध्यवसान छोड़ो, और वो सारा व्यवहार है, तो इसका मतलब है सारा व्यवहार ही छुड़ाया है। और फिर ये निश्चय की बात रखते हुए व्यवहार का निषेध किया है, तो निश्चय से व्यवहार का निषेध कैसे होता है, क्यों होता है, ये जो सारा आगे प्रकरण क्रमशः चलेगा, अब ये चर्चा अपन शिविर के बाद, प्रशिक्षण शिविर के बाद, थोड़ा लंबा गैप होगा अभी करीब महीना सवा महीना जितना भी, उसके पश्चात ही पुनः चर्चा आगे की प्रारंभ करेंगे। सहजानंदीशो निज निधि निज में बताए यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सुपावे सुख चैन, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालोक, सुवाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो ढोक।